हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। और आज के सेगमेंट में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। कल तक के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है मेन पार्ट्स ऑफ ए कंपास, कंपास के मेन पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। और इसी सीक्वेंस में हम लोग आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका हिंदी में जो नाम है सर्वेक्षक दिक्सूचक और प्रिज्मी दिक्सूचक कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सर्वेक्षक दिक्सूचक से। तो सर्वेक्षक दिक्सूचक जैसे इंग्लिश में हम लोग सर्वेयर कंपास कहते हैं, क्या है इनके बारे में एक बार पढ़ते हैं हम लोग। तो सर्वेक्षक दिक्सूचक के सुई के दोनों सिरे क्या होते हैं, आगे से नुकेले होते हैं, सुई केंद्र में किलक पर स्वच्छंद घूम सकती है और चुंबकीय या म्युत्तर दिशा पर आकर रुकती है। मतलब इसका मतलब हम लोग फिगर से समझते हैं। फिगर ये कुछ इस टाइप में है, ये इसका प्लान है सर्वेयर कंपास का। ये फुल प्लान नहीं बना है, बस ये थोड़ा ग्रेजुएटेड सर्किल बना है, ये इसको हम लोग प्लान कह सकते हैं। ये प्लान का बना हुआ है और ये इसका जो है ये क्रॉस सेक्शन एलिवेशन है, ये फ्रंट व्यू है। तो ये जो है हमारा सर्वेयर कंपास कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। सर्वेयर कंपास में ये जो प्लान है हमारा, ये प्लान में ये जो हमारी ये बनी हुई है ये होल सर्किल जो है ये इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेजुएटेड सर्किल कहते हैं। इनका नाम जो है वो है ग्रेजुएटेड सर्किल, जिसे हिंदी में अंशांकित चक्री कहते हैं। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं अंशांकित चक्री। और ये जो हमारा इसके अंदर बना हुआ है सर्किल के अंदर, इनका नाम जो है मैग्नेटिक निडल है, ये चुंबकीय सुई। तो और ये तो इसका फ्रंट व्यू है, इनकी एलिवेशन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा इधर का जो बना हुआ है ये है हमारा ग्रेजुएटेड सर्कल, जो कि बॉक्स से, ये हमारा जो है इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं कंपास बॉक्स। बॉक्स से क्या होती है, अटैच्ड होती है। ये हमारा जो है वो है कंपास बॉक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रेजुएशन सर्किल है, ग्रेजुएशन सर्किल किसे कहते हैं कि मैग्नेटिक निडल, और जो इस सर्किल पे चक्री कटी रहती है, कोड बने होते हैं, उसी को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड सर्किल कहते हैं। जो मैग्नेटिक निडल होती है इसमें चारों दिशाएं बनी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट पे 90-90 अंश के होते हैं और नॉर्थ और साउथ जो होती है वो 0 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इनके एलिवेशन में देखें तो ग्रेजुएटेड सर्किल ये है जो कि बॉक्स से ही हमारी क्या है, अटैच्ड है। तो एक पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि ग्रेजुएशन सर्किल जो होती है वो बॉक्स से अटैच्ड होती है। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, बट ये वास्तव में तो रेक्टेंगुलर नहीं होता है, ये वास्तव में सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन जब इसका हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। तो जो ये ग्रेजुएटेड सर्किल है ये क्या है, बॉक्स से अटैच्ड होती है, बट हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रेजुएटेड सर्किल है वो मैग्नेटिक निडल से क्या है, अलग है, ये इनपे अटैच्ड नहीं है। तो एक पॉइंट जो हम इसमें लिख सकते हैं कि ग्रेजुएटेड सर्किल बॉक्स से जुड़ी होती है, बॉक्स से जुड़ी है, बट मैग्नेटिक निडल से क्या होती है, अलग रहती है, मैग्नेटिक निडल से अटैच्ड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम बॉक्स को क्या करते हैं, घुमाते हैं उसको घुमाते हैं, तो हमारी क्या है, ग्रेजुएटेड सर्किल क्या करेगी, मूव करेगी, बट मैग्नेटिक निडल तो अंदर है, ये तो अटैच्ड है नहीं इससे, तो इसलिए क्या करेगी, मूव नहीं करती है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि बॉक्स उसको मूवमेंट करने पर ग्रेजुएटेड सर्किल मूव करती है, बट मैग्नेटिक निडल मूवमेंट नहीं होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो ये दो टॉप पॉइंट हम लोग पहले लिखते हैं, फिर आगे बताते हैं इनके बारे में कि फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, यहां से लिखते हैं
कि हमने फिगर से देखा कि ग्रेजुएटेड सर्किल जो होती है वो बॉक्स से जुड़ी रहती है। ग्रेजुएटेड सर्कल बॉक्स से जुड़ी रहती है। लेकिन मैग्नेटिक नीडल अलग रहती है। ये तो रही इसकी फर्स्ट पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर हम बॉक्स को मूव करते हैं तो साथ ही साथ कौन मूव करता है, ग्रेजुएटेड सर्किल भी मूव करती है, लेकिन मैग्नेटिक नीडल मूव नहीं करती क्योंकि वो उससे अटैच्ड नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, बॉक्स की मूवमेंट पर इस कलर से दिख रहा, ब्लैक से ही लिखते हैं या तो, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, बॉक्स की मूवमेंट पर ग्रेजुएटेड सर्किल मूव करती है लेकिन मैग्नेटिक नीडल नहीं। थर्ड पॉइंट जो हम लोग फिगर में देखेंगे, हाँ ये है, इधर जो हमारी झिर्री कटी होती है ये हमारा जो है ये हमारा आई वेन है, आई वेन, और आई वेन और इधर हमारा जो है इधर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट वेन, और इधर हमारे को क्या होती है, टारगेट होता है, और इधर कोई हमारा टारगेट होता है। जब हम आई अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को देखते हुए किसी लक्ष्य की ओर साइटिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इधर हमारी
आंखें बनी होती हैं। सेकंड, वो क्या बोलते हैं इसको, आई वेन बोलते हैं। जब हमारी आंखें ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हुए किसी लक्ष्य को साइट करती है तो उसको, तो इस तरह से बनने वाली इमेजिनरी लाइन जो होती है, इमेजिनरी लाइन जो सीधी इमेजिनरी लाइन होती है, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि ये बॉक्स जो है वो ग्रेजुएटेड सर्कल से अटैच्ड है, प्लस ये लाइन ऑफ साइट से अटैच्ड है। तो जब हम लोग लाइन ऑफ साइट का मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, तो क्या होती है, बॉक्स भी क्या करता है, मूव करता है, बट मैग्नेटिक निडल मूव नहीं करता, वो क्या होती है, स्थिर रहती है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, क्या लिखते हैं कि लाइन ऑफ साइट के मूवमेंट पर बॉक्स भी क्या करता है, मूव करता है, यानी ग्रेजुएटेड सर्कल भी मूव करती है लेकिन मैग्नेटिक निडल मूव नहीं करती है। तो ये पॉइंट लिखते हैं कि लाइन ऑफ साइट के मोमेंट, ब्लैक से ही लिखते हैं, लाइन ऑफ साइट के मोमेंट पर ग्रेजुएटेड सर्कल मूव करती है, लेकिन मैग्नेटिक निडल नहीं। क्यों नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक निडल ग्रेजुएटेड सर्कल से अलग रहती है। मैग्नेटिक निडल नहीं। अब फोर्थ पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, फोर्थ पॉइंट में ये देखेंगे कि सर्वेयर कंपास में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का बहुत महत्व रहता है, और जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में सिर्फ हम लोग दो डायरेक्शन पढ़ते हैं, नॉर्थ और साउथ। उसमें भी मेन हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है उसकी बहुत मेन होती है। लेकिन सर्वेयर कंपास में हमें चारों दिशाओं के बारे में पढ़ना होता है, चारों दिशाएं बहुत ही महत्व होती हैं। तो एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे कि सर्वेयर कंपास में चारों दिशाओं, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का बहुत महत्व रहता है। और इसमें एक पॉइंट हम लोग और देख रहे हैं कि इसमें वेस्ट और ईस्ट के आपस में स्थान क्या हो गई है, चेंज कर दिए गए, ईस्ट का वेस्ट कर दिए गए, वेस्ट का ईस्ट पे कर दिया गया है। तो इनके आपस में स्थान चेंज कर दिए गए हैं, ये क्यों कर दिए गए, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे कि इनके स्थान परिवर्तन क्यों किए गए हैं। तो पहले पॉइंट लिखते हैं कि सर्वेयर कंपास में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का बहुत महत्व होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे, सर्वेयर कंपास में डायरेक्शन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और अभी जो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि क्या लिखा था कि सर्वेक्षक दिक्सूचक के सुई के दोनों सिरे आगे से निकले नुकीले होते हैं, तो ये हमको, मैंने देखा कि मैग्नेटिक निडल जो हमें फिगर में देखने को मिल रही है, इसके दोनों सिरे आगे से क्या है, नुकीले हैं, इसीलिए। और जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसा नहीं होता है, उसमें नुकीले नहीं होते, जबकि सर्वेयर कंपास में क्या होती है, इसके दोनों जो सिरे होते हैं नॉर्थ और साउथ के, वो आगे के सिरे क्या होते हैं, इसमें नुकीले दिखाई देते हैं। और एक बात और कि इसमें जो ग्रेजुएटेड सर्किल है, हम देख रहे हैं कि नॉर्थ पे 0 डिग्री का कोण बना हुआ है, साउथ पे भी 0 डिग्री का कोण बना है, वेस्ट पे 90 डिग्री और ईस्ट पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और ये क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों साइड ही क्या कर सकती हैं,
दोनों तरफ हम ये इसके कोड मिले रहते हैं, मिलते हैं। ये चाहे क्लॉकवाइज से हम देखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज से देखें, दोनों तरफ ये लिखे रहते हैं। तो ये बात इसमें हम लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे कि ग्रेजुएटेड सर्किल में ईस्ट की जगह वेस्ट और वेस्ट की जगह पे ईस्ट लिख देते, यानी ई और ई तथा डब्ल्यू के स्थान क्या होती है आपस में बदल दिए जाते हैं। क्यों बदल दी जाती है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो पहले इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि ग्रेजुएटेड सर्किल पर ग्रेजुएटेड सर्किल पर ई तथा डब्ल्यू के ई फॉर ईस्ट और डब्ल्यू फॉर वेस्ट ई तथा डब्ल्यू के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। और क्या लिखेंगे कि सब पे कितना कितने डिग्री का कोण बना रहता है, तो छठवें पॉइंट में जो लिखेंगे कि सर्वेयर कंपास में या फिर ग्रेजुएटेड सर्किल पर ग्रेजुएटेड सर्किल पर नॉर्थ पर 0 डिग्री, साउथ पर 0 डिग्री, ईस्ट पर 90 डिग्री तथा वेस्ट पर 90 डिग्री के कोड लिखे रहते हैं। और एक बात की टॉपिक मैंने और बात की थी कि ग्रेजुएटेड सर्किल पर एंगल क्या होती है, वो क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ क्या होती है लिखे रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि ग्रेजुएटेड सर्किल पर, जैसे हिंदी में अंशांकित चक्री कहते हैं, ग्रेजुएटेड सर्किल पर कोण क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ लिखे रहते हैं। तो ये तो रही इसके दोनों तरफ क्या होती है लिखे रहते हैं। और एक चीज हम बात देख रहे हैं कि सर्वेयर कंपास में जो एंगल होती है वो केवल 0 से 90 डिग्री तक ही मतलब खुदी रहती है, लिखी रहती है। और जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होती है, होल सर्कल बेयरिंग, उसमें यानी एंगल का मान कितना होता है, 0 से 360 डिग्री तक लिखा रहता है। और अब ये तो रही इनकी आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, लाइन ऑफ साइट, इतनी बात हो गई। अब ये जो है इनका वो है लिफ्टिंग लीवर है, लिफ्टिंग, ये भी एक सर्वेयर कंपास का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं लिफ्टिंग लीवर। लिफ्टिंग लीवर क्या होती है कि मैग्नेटिक लिंडल का कभी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए जब हम लोग सर्वेयर पर काम नहीं हो रहा होता है तो जिस समय एक सूचक प्रकार नहीं होती इस जो तो पीवॉट, ये जो किलक है इसको हम लोग बोलते हैं पीवॉट।
कि जिसे हिंदी में क्या होते हैं किले कहते हैं, से कुछ ऊपर क्या कर देते हैं, उठा दिया जाता है। तो इस तरीके से इनका जो मैग्नेटिज्म है वो समाप्त नहीं होता और काफी टाइम तक चलता रहता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग लीवर, कि जिस समय हम लोग दिक् सूचक पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम पिवट्स इन्हें कुछ ऊपर उठा दिया जाता है, जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं लिफ्टिंग लीवर कहते हैं। और इधर लिफ्टिंग पिन लगी होती है, इधर लिफ्टिंग लीवर है। और नेक्स्ट, और ये जो हमारा है इसको पिवट बोलते हैं। पिवट से ऊपर ये जो बने हुए हैं कुछ रेक्टेंगुलर शेप में, इसे जो हम लोग नाम देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एगेट कैप कहते हैं। एगेट एगेट कैप क्या होता है कि इसमें उच्च अपघर्षण सामर्थ्य का पदार्थ जो है भर दिया रहता है, जिससे क्या होती है इसकी वेयरिंग रेजिस्टेंस अधिक हो जाती है। और फिर ये क्या हो सकती है, जो भी लिखा था प्लेन पे ये स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, इसी के कारण क्या लिखा था कि सुई केंद्र में किलक पर, किलक यानी वही पिवट पर स्वच्छंद घूम सकती है और चुंबकीय या मित्र दिशा पर आकर रुक सकता, तभी वो प्लेन पर क्या हो सकती है स्वतंत्र रूप से वो घूम सकती है। तो यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं एगेट कैप। और इसी पिवट से, पिवट और एगेट कैप से एक बेयरिंग बनती है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक बेयरिंग बनेगी जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं जेवल बेयरिंग कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं कि ये जो यहाँ पे एक नुकीली टाइप की लगी हुई है इसको हम लोग पिवट बोलते हैं, हिंदी में किलक बोलते हैं। और इस पिवट के ऊपर जो एक रेक्टेंगल शेप में जो छोटा सा बॉक्स बनाया गया है उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं एगेट कैप कहते हैं। इस एगेट कैप में देख रहे कुछ मतलब कुछ भरा हुआ है, तो इसमें एक उच्च अपघर्षण सामर्थ्य वाला पदार्थ भर दिया जाता है, जिससे क्या होती है कि इसकी वेयरिंग रेजिस्टेंस अधिक हो जाती है। और इस एगेट कैप और पिवट से एक बेयरिंग बनती है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं जेवल बेयरिंग कहते हैं। तो इतनी सारी बातें रही हमारी सर्वेयर कंपास की। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम लोग जो कंपास पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रिज्मेटिक कंपास देखेंगे। फिर हम लोग अगले टॉपिक में क्या देखेंगे, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। तो एक बार चाहे तो अगर इनके हम मेन पार्ट्स के बारे में अगर लिखें तो इनके जो पार्ट्स हमें देखने को मिले हैं वो पहला था, पहला हमारा था ये ग्रेजुएटेड सर्कल। पहले जो हमको पार्ट्स इनके देखने को मिले हैं सर्वेयर कंपास के, ठीक है हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर्वेयर कंपास का जो पहला पार्ट था वो है ग्रेजुएटेड सर्किल था। दूसरा हमारा जो है ग्रेजुएटेड सर्किल हो गया, और दूसरा हमारा क्या है मैग्नेटिक निडल। तीसरा हमें जो देखने को मिला था आई वेन, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट की ओर देखते हुए किसी लक्ष्य को क्या करते हैं साइटिंग करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं आई वेन। तीसरा हमारा था आई वेन पार्ट्स में। चौथा ऑब्जेक्ट वेन। पांचवा लाइन ऑफ साइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि आई वेन से जब हम लोग किसी अपनी आंखों को से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो लक्ष्य की तरफ हम लोग साइटिंग करते हैं तो उससे बनने वाली जो सीधी लाइन होती है इमेजिनरी लाइन जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाइन ऑफ साइटिंग कहते हैं, बट ये पार्ट्स में नहीं आएगा। तो पांचवा हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे ये इधर लिफ्टिंग पिन जो इधर लगी होती है लिफ्टिंग पिन, लिफ्टिंग पिन या लीवर, यही जो पिवट से कुछ ऊपर उठा दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिफ्टिंग लीवर कहते हैं। छठवां क्या लिखेंगे, छठा जो हमारा आएगा वो होगा एगेट कैप, जो पिवट के ऊपर लगाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एगेट कैप। एगेट कैप। तो इतनी सारी बातें थी हमारी सर्वेयर कंपास के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में।
तो प्रिज्मेटिक कंपास क्या है? प्रिज्मी दिक्सूचक जिसे हिंदी में कहते हैं, इस दिक्सूचक की विशेषता यह है कि लक्ष्य भेदन तथा चक्रीय पठन दोनों कार्य एक साथ ही संपन्न होते हैं और सर्वेक्षक को अपनी स्थिति बदलनी नहीं पड़ती है। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये रहा हमारा कुछ प्रिज्मी कंपास, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिज्मेटिक। ये इसका प्लान है। ये प्लान का पूर्ण रूप नहीं है बट ऐसे ही बनाया गया है। और ये इसका क्या है? सेक्शनल फ्रंट व्यू है। प्रिज्मेटिक कंपास का सेक्शनल फ्रंट व्यू है। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये इसकी जो बनी है ग्रेजुएटेड सर्किल है, और इसको हम जो नाम देते हैं वो है ग्रेजुएटेड सर्किल। यहां पे जो इसका बना हुआ है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक निडल। ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक निडल, जो कि कुछ आयताकार शेप में है वहां पे, जबकि था कि नुकीले सीरीज के निकले हुए थे, जबकि यहाँ पे क्या है कि रेक्टेंगुलर शेप से में बनाया गया है, इसकी मैग्नेटिक निडल है। और तो ये है हमारा इसका बॉक्स है, जो कि इसका जब हम लोग फ्रंट व्यू करते हैं, क्रॉस सेक्शनल फ्रंट व्यू करते हैं, तो ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देता है, बट ये एक्चुअली में क्या होती है कि ये सर्कुलर शेप में होता है। और इससे भी क्या होती है, ये हमारा बॉक्स है, इनको अगर हम बोलते हैं तो ये कलर से लिखते हैं कंपास बॉक्स। और यहाँ पे जो बनी होती है हमारे ग्रेजुएटेड सर्कल, जो कि बॉक्स से अटैच्ड होती है, और यहाँ पे हमारा जो बना हुआ है वो है आई वेन, जिससे कि हम अपने आंखों से ऑब्जेक्ट को देखते हुए किसी लक्ष्य को की साइटिंग करते हैं। यहाँ पे आई वेन कुछ इस टाइप से बनी होती है। तो क्या देख रहे हैं कि हम इस बॉक्स से हमारा क्या है ग्रेजुएटेड सर्किल अटैच्ड है, और हमारी यहाँ पे जो आई वेन लगी है ये भी हमारी बॉक्स से अटैच्ड है। तो इसमें भी ये है कि जब हम बॉक्स को मूव करते हैं तो ग्रेजुएटेड सर्किल भी हमारी क्या होती है, मूव करती है। और तो एक पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रेजुएटेड सर्किल इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि ग्रेजुएटेड सर्किल क्या है, बॉक्स से अटैच्ड होती है, बॉक्स से जुड़ी रहती है, या हिंदी में लिख सकते हैं जुड़ी रहती है। और एक बात इसमें हम लोग और देख रहे हैं, जैसे कि सर्वियर कंपास में क्या था कि मैग्नेटिक निडल हमारी ग्रेजुएटेड सर्कल से अटैच्ड नहीं थी, जबकि हमारी प्रिज्मेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक निडल होती है वो ग्रेजुएटेड सर्कल से जुड़ी रहती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इससे क्या हुई है, जुड़ी रहती है। उसमें सर्वियर कंपास में क्या था कि उसके सिरे आगे से नुकीले थे और उसमें अटैच नहीं थी, और इसमें क्या है ये ग्रेजुएटेड सर्कल से हमारी मैग्नेटिक निडल क्या है, जुड़ी है। तो ये बात इसमें हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक निडल ग्रेजुएटेड सर्किल से अटैच्ड होती है।
और एक एक बात हम लोग और देख रहे हैं कि बॉक्स के रोटेट करने पर मैग्नेटिक निडल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बॉक्स को रोटेट करेंगे तो हमारी ग्रेजुएटेड सर्किल भी साथ में रोटेट करेगी और मैग्नेटिक निडल भी रोटेट करती है। तो ये लिखते हैं इसमें कि बॉक्स के कि रोटेट करने पर मैग्नेटिक निडल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मैग्नेटिक निडल पर कोई इफेक्ट नहीं। हाँ और